टॉप हैंड पे लगे हैं कीड़े, और देखिए हमारा पतलोला चाकू आंख वाले कीड़े को निकाल दिया एक ही बार में। और ये हमारा बड़ा वाला चाकू था, और बड़े बड़े ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को निकाल चुका है। और देखिए केचू वाले कीड़े भी काफी सेफ तरीके से निकल चुके हैं, औसम तरीके से। और देखिए हमारा क्रोमोला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से सींग वाले कीड़े को काट रहा है। और ये दूसरा वाला सींग वाला कीड़ा ये भी कट के निकल चुका है औसम तरीके से। देखिए हमारा सिकंजा वाला चाकू ये रेड वाले कीड़े को, जख्म वाले कीड़े को निकाल चुका है पूरी तरह। और देखिए घिनर टाइप के कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं आसानी से। और देखिए रेड वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव हुए हमारे सिल्वर वाले चाकू ने निकाला। और छोटे छोटे होल वाले भी कीड़े रिमूव हुए पूरी तरह। टॉप हैंड का पूरा डीप क्लीन करेंगे हम आज, वो भी चाकू के माध्यम से। तो देखिए रेड वाला घिनौने टाइप का कीड़ा भी निकल चुका है बेहद ही खूबसूरत से। और देखिए हमारा गोल्डन वाला चाकू भी होल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया, हैंड वाला चाकू आया हमारा। और बड़े वाले होल वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है पूरी तरह। छोटे छोटे होल वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से निकल चुके हैं। आगे हमारा दवा, तो देखिए एक जगह दवाई लग चुकी है और दूसरी जगह भी हमने दवाई लगा दिया है बहुत ही सेफ तरीके से। आगे हमारा कॉटन वूल रुई, और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। तो टाइमर हमारा चल रहा चालू हो गया है, और फाइनली आप लोग देख सकते हो पूरे हैंड का, टॉप हैंड का ट्रीटमेंट एनिमेशन हो चुका है। ऐसा आज हम करेंगे हैंड का ट्रीटमेंट। तो देखिए हम चाकू के माध्यम से बहुत ही सेफ तरीके से कुछ कीड़े को काट दिए हम लोग। और अभी ये आंख वाले कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा चिमटी, तो देखिए बहुत ही सेफ तरीके से कीड़े को रिमूव कर रहा है हमारा चिमटी। और इस वाले कीड़े को भी रिमूव किया, और ये लास्ट वाला कीड़ा ये भी गिर चुका है बहुत ही औसम और सेफ तरीके से, हमारे ट्रीटमेंट हो चुका है। और ये बड़ा वाला बहुत ही ज़्यादा कीड़ा था वो भी रिमूव हुआ। अभी कुछ मैंगोस हैं, तो देखिए चाकू के माध्यम से ये भी रिमूव हुए बहुत ही सेफ तरीके से। आगे हमारा दूसरा पतला चाकू, और ये घिनौने टाइप कीड़े को काट के गिरा दिया पूरा का पूरा। आगे हमारा हैंड वाला चाकू,
और ये भी देखिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कीड़े थे, वो भी गिर चुके हैं। आ गया रेतीला वाला चाकू, हमारा काटेगा फंगल वाले कीड़े को। और देखिए फंगल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से निकाल दिया एक ही बार में। आ गया दूसरा चाकू हमारा। और ये घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि केचुए वाले कीड़े थे, वो भी रिमूव हुए। तो देखिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट कर चुके हैं, अभी थोड़े बहुत कीड़े बचे हुए हैं। तो देखिए हम लोग बहुत ही सेफ तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी कुछ कीड़े और बचे हैं। और अभी ये अब बहुत ही खतरनाक वाला कीड़ा बच गया है, इसको हम स्प्रे से साफ करेंगे। तो एक जगह स्प्रे का दवा मार दी हम लोग और दूसरी जगह भी दवाई पड़ चुकी है। अब हम लोग इसको कॉटन वूल रुई से इसे साफ करेंगे बहुत ही सेफ तरीके से। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमें। हैंड पे लगे हैं बहुत ही तगड़े वाले कीड़े और देखिए हम चिमटी के माध्यम से बहुत ही सेफ और बढ़िया तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और फिर से हमारे चिमटी ने पकड़ा इस कीड़े को। देखिए केचुए वाला कीड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, तो हम सबको बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव करेंगे और इसके हैंड का ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काटा बहुत सारे वायरस को। आ गया हमारा दूसरा चाकू। और ये हमारा गिनासा वाला चाकू बहुत ही ऑसम तरीके से काट के चला गया कुछ कीड़े को। और ये हमारा चाकू बहुत ही धार वाला चाकू था, जो कि ये भी बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट किया। और ये कुछ ट्राइफोफोबिया वाले वायरस थे। और देखिए इसका हाथ बहुत ही ज़्यादा घिनौने दिख रहा है। तो देखिए हैंड वाले चाकू ने हमारा बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और ये भी कुछ घिनौने टाइप के कीड़े को निकाल दिया है बहुत ही औसम तरीके से। और ये भी घिनौने टाइप का कीड़ा ये भी रिमूव हो चुका है। और आ गया गोल्डन वाला चाकू हमारा। और ये बहुत ही स्लोली स्लोली से काट के चला गया बहुत ही औसम तरीके से। और ये घिनौने टाइप के कीड़े थे, ये भी बिलबिलाते हुए निकल चुके हैं पूरे के पूरे। ये लास्ट वाला कीड़ा बचा हुआ था, तो ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है बहुत ही औसम तरीके से। हम लोग ने दवाई डाल देते हैं। तो देखिए एक जगह दवाई पड़ चुकी है और दूसरी जगह भी दवा पड़ चुकी है बहुत ही औसम और लुक तरीके से। आ गया हमारा कॉटन वूल रुई। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। देखिए पूरे ही हैंड पे लगे हैं कीड़े, हम लोग रिमूव करेंगे। आज इसका हम लोग फुल ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए उंगली पे लगे हैं कीड़े। और देखिए उंगली पे लगे हुए वायरस को हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। देखिए हमारे चाकू के माध्यम से हम लोग बहुत ही सेफ तरीके से काट के निकाले कुछ कीड़े को।
और ये फिंगर्स वाले कीड़े को भी हम लोग ने सेफ तरीके से काट के निकाल दिया पूरा का पूरा। आगे हमारा दूसरा वाला चाकू, और ये छोटे छोटे बीन्स वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं बहुत ही औसम और लुक तरीके से। और देखिए अभी मैंगोस वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं। आगे हमारा हैंड वाला चाकू, और ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना टाइप का दिख रहा था कीड़ा जो कि इसको भी हम लोगों ने निकाल दिया है सेफ तरीके से। और ये भी देखिए घिनौना टाइप का कीड़ा था जो कि ये भी निकल चुका है बहुत ही औसम तरीके से। और ये पूरा का पूरा मैंगोट से भरा हुआ था इसका हैंड, उसको भी हम लोगों ने निकाल दिया है। गोल्डन वाला चाकू आया हमारा, और ये ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल दिया है। अभी कुछ घिनौने टाइप के कीड़े हैं। ये भी देखिए बहुत ही औसम और लुक तरीके से कट के निकल चुके हैं पूरे के पूरे। आ गया पत्थर वाला चाकू हमारा, और ये रेड टाइप का ग्रीन टाइप का कीड़ा था जो कि अभी निकल चुका है। अभी ये कुछ कीड़े बचे हैं। और ये भी देखिए काफी सेफ तरीके से हम लोगों ने निकाल दिया है। और ये देखिए हमारा दवा लग चुका है, और दूसरी जगह भी हम लोगों ने दवा लगा दिया है बहुत ही औसम तरीके से। और आगे हमारा कॉटन वुल रुई, तो कि टाइमर चलने देते हैं। टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। पूरे ही हैंड पे लग गए हैं कीड़े, हम रिमूव करेंगे आज। तो हमारा पतला वाला चाकू फिंगर्स वाले कीड़े को रिमूव किया, और ये भी फिंगर्स वाले कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं एक ही बार में। और ये जख्म वाले कीड़े भी रिमूव हुए बहुत ही सेफ तरीके से। और ये घिनौने टाइप के कीड़े भी रिमूव हुए बहुत ही सेफ तरीके से। और ये भी कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं सेफ तरीके से। तो देखिए फिंगर्स पे लगे थे बहुत ही पिंपल्स, उसको हम लोगों ने निकाला काट के। और अभी ये हैंड पे लग चुके हैं कीड़े जो कि हम लोग रिमूव कर देंगे पूरे के पूरे कीड़े को। तो फाइनली देखिए बहुत सारे कीड़े को हम लोगों ने रिमूव किया। और ये भी कुछ कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। और ये बीन्स वाले कीड़े को भी हम लोगों ने रिमूव किया। और देखिए हैंड पे बहुत सारे कीड़े थे वो भी रिमूव हुए। और ये रेड वाले घिनौने टाइप के कीड़े थे ये भी रिमूव हो चुके हैं। तो
तो देखिए काफ़ी हद तक हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया है, अभी थोड़े बहुत कीड़े बचे हैं। और ये होल वाले भी कीड़े रिमूव हो चुके हैं। तो आ गया हमारा दवा, तो देखिए दवाई बहुत ही सेफ तरीके से लग चुकी है पूरी की पूरी। और आ गया हमारा कॉटन वूल रोई, तो टाइमर हम लोग चल दे देते हैं। तो फाइनली टाइमर चल चुका है, अभी देखिए 3, 2, 1, 0। तो ये बहुत ही ज़्यादा कीड़े लग गए हैं। तो देखिए हम लोगों ने आँख वाले कीड़े को निकाल दिया काट के एक ही बार में। आगे हमारा चिमटी और ये रेड वाले कीड़े को पकड़ेगा, और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से निकालेगा इसको एक एक करके। और ये दूसरे वाले रेड को पकड़ा और इसको भी देखिए सेफ तरीके से निकाल चुका है। अब ये तीसरे वाले कीड़े को पकड़ा और इसको भी देखिए सेफ तरीके से फेंक चुका है बहुत ही औसम और लुक तरीके से। आ गया हमारा छोटा वाला चाकू, ये भी आई वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से निकाल चुका है काट के पूरा का पूरा। आ गया हमारा हैंड वाला चाकू, और ये देखिए हैंड वाला चाकू बहुत ही औसम तरीके से कुछ कीड़े को रिमूव किया एक ही बार में। और ये देखिए कुछ टाइपोफोबिया वाले कीड़े थे जो कि ये भी कट के निकल चुके हैं एक ही बार में। और ये कुछ देखिए ट्राइपोफोबिया वाले, ये भी ब्लैक वाले कीड़े थे जो कि ये भी कट चुके हैं। और ये कुछ घिनौने टाइप के कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से निकल चुके हैं। अभी हम लोग मस्तिष्क वाले कीड़े को निकालेंगे। तो देखिए मस्तिष्क वाले कीड़े एक ही बार में कट के निकल चुके हैं। और ये ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के निकले। और ये कुछ कीड़े थे जो कि खतरनाक होते हैं हैंड पे लगने की वजह से। तो देखिए हम लोग पूरा का पूरा डीप क्लीन करेंगे इसके पूरे ही हैंड का। आगे हमारा बड़ा वाला चाकू, और देखिए इस वाले ट्राइपोफोबिया को इसको भी निकाल दिया है पूरा का पूरा काट के एक ही बार में रिमूव किया। और ये देखिए फिंगर्स वाले कीड़े को भी बहुत ही सेफ तरीके से काट के निकाल चुका है। आगे हमारा दवा, तो देखिए होल हो गए थे इसके पूरे ही हैंड पे। और देखिए हमारा दवा भी लगा के चला गया। आगे हमारा कॉटन वूल डी, अब हम लोग इस पर एक टाइमर चलाएंगे जो कि देखेंगे ये ठीक तरीके से फिनिश हुआ कि नहीं। तो देखिए टाइमर चल चुका है, गए हैं बहुत ही ज़्यादा तगड़े कीड़े। और देखिए हमारा चाकू बहुत ही खतरनाक वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से काट के निकाला। आगे पत्थर वाला चाकू, जो कि देखिए थोड़े बहुत लिजलिजी वाले कीड़े को काट के निकाला एक ही सेकंड में। अभी ये हमारा चमड़ा वाला थोड़ा चाकू था जो कि बहुत ही सेफ तरीके से काटा कुछ कीड़े को। और हमारा हैंड वाला चाकू होल वाले कीड़े को सेफ तरीके से काट के निकाल दिया है। और देखिए ये बाल वाले कीड़े हैं जो कि बेहद ही खतरनाक होते हैं बहुत ही हैंड पे लग जाते हैं पूरे के पूरे। और ये कुछ ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े थे जो कि बहुत ही ज़्यादा घिनौने होते हैं।
तो देखिए हमारा रीतीला वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से फंगल वाले कीड़े को काट के निकाल दिया है। अभी ये मैंगोस वाले कीड़े हैं जो कि हम लोग बहुत ही सेफ तरीके से इसको रिमूव करेंगे एक ही बार में। तो देखिए हमारा मैंगोस भी कट के निकल चुका है बहुत ही औसम तरीके से। और ये अब ट्राइफोपोपिया वाले कीड़े को हम लोग काटेंगे। और देखिए ट्राइफोपोपिया वाला कीड़ा पूरा का पूरा कट के निकल चुका है। और इसके हैंड पे लगे हुए घिनौने टाइप के कीड़े को निकाल दिया हम लोगों ने। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला कीड़ा था, ये भी सेफ तरीके से कट चुका है। अभी ये ब्लैक वाले कीड़े को हम लोग सेफ तरीके से काट के निकालेंगे। और देखिए ब्लैक वाला कीड़ा सेफ तरीके से कट के निकल चुका है। और ये होल वाला ट्राइफोफोबिया वाला कीड़ा था, ये भी सेफ तरीके से कट के निकल गया है। और ये कुछ जालीदार वाले कीड़े थे, ये भी कट के निकल चुके हैं। हमारा आ गया प्यारा वाला दवा। तो देखिए प्यारा सा दवा हम लोग लगा देते हैं, दोनों तरफ लग चुके हैं दवा। और आ गया हमारा कॉटन बुल रुई। और हम लोग अब टाइमर चला देते हैं। और टाइमर चलाने के बाद हम लोग देखेंगे हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। तो फाइव घिनौने टाइप के कीड़े लगे हैं। तो देखिए हमारा चाकू बहुत ही घिनौने टाइप के कीड़े को काट कर रिमूव किया है। आ गया दूसरा चाकू। और देखिए आंख वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है बुरी तरह। और ये ट्राइफोपोबिया वाले कीड़े भी निकल चुके हैं एक ही बार में। और देखिए चींटी के पूरे ही घवत लग गए थे पूरे ही हैंड पे, इसको भी रिमूव किया हम लोगों ने। और देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े देखिए सेफ तरीके से रिमूव हुए और सब तरीके से। और ये फंगल वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं पूरी तरह। और ये होल वाले ट्राइफोफोबिया थे जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के निकल गए पूरे के पूरे। और देखिए हमारा गोल्डन वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से चींटियों को काट के निकाला। और देखिए ये भी ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। और देखिए ये ब्लैक वाले कीड़े भी निकल चुके हैं एक ही बार में। हमारा पतला चाकू काट के निकाला। और ये छोटे छोटे थे ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े, ये भी निकल चुके हैं रिमूव हुए। और ये भी ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े सेफ तरीके से कट के रिमूव हुए।
और देखिए हम लोग दवा लगा देते हैं इसके पूरे हैंड पे। तो देखिए दवाई लग चुकी है बहुत ही सेफ तरीके से। और आगे हमारा कॉटन वूल रुई, और हम लोग अब टाइमर चला देंगे। तो देखिए हमारा टाइमर चल रहा है, और फाइनली आप लोग लगे हैं घिनौने टाइप के कीड़े। जो कि देखिए ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े हैं, हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े को। और ये फंगल वाला कीड़ा भी कट के निकल चुका है, और ये दूसरा वाला फंगल वाला कीड़ा ये भी सेफ तरीके से निकल चुका है। और ये बड़ा वाला कीड़ा देखिए एक ही बार में काट के निकाल दिया हमारा बड़ा वाला चाकू ने। और देखिए दांत वाले कीड़े भी औसम तरीके से कट के रिमूव हो चुके हैं। और ये कुछ लिजुलिजी वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। और देखिए हमारा रेड वाला कीड़ा एक ही बार में निकल चुका है पूरी तरह। और ये हमारा हैंड वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से कुछ कीड़े को निकाल दिया है। और ये छोटे छोटे मैंगोट्स वाले कीड़े भी एक ही झटके में कट के निकल चुके हैं। और ये ब्लैक वाले ट्राइपोफोबिया ये भी सेफ तरीके से कट चुके हैं पूरी तरह। और देखिए हमारा सिल्वर वाला चाकू भी सेफ तरीके से काटा बड़े वाले कीड़े को। और ये होल वाला ट्राइपोफोबिया ये भी सेफ तरीके से कट के रिमूव हुए। और देखिए बड़े वाले फंगल भी सेफ तरीके से निकल चुके हैं पूरी तरह। और ये छोटे छोटे ट्राइफोबिया उंगलियों में लगे थे, तो उंगलियों वाला कीड़ा भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है। आगे हमारा बड़ा वाला चाकू। और चींटियों सहित ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को काट के निकाल दिया। हम लोग अब इस पे दवा लगा देते हैं। तो फाइनली दवाई लग चुकी है ऑसम तरीके से। और आ गया हमारा कॉटन वूल रुई, और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। तो हमारा टाइमर चलना चालू हो गया है। तो फाइनली हमारा टाइमर